इंडिया में एक नई बीमारी को आजाद करने के लिए जिसका नाम है गोरीसीजियस। इस बीमारी के लक्षण हमें पहले भी बहुत से लोगों में देखने को मिले हैं। ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की पर है, यानी कि 100 साल बाद हम फिर से गुलाम होंगे। साइमन कम बैक। और ये देखने के बाद शंकरा ने कहा कि मैं क्यों पीछे हूँ, मैं भी कुछ ऐसा कहूंगी, आखिरकार कंट्रोवर्सी तो क्रिएट करनी ही है ना। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वैसे लॉजिक तो है, क्योंकि कंगना के लिए आजादी तो 2014 के बाद ही शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले उसे इमरान हाशमी कहां छोड़ रहा था। और इन्हीं विषयों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अन रिपब्लिक टीवी से सीधे मिस्टर गोस्वामी। From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami. Good evening and welcome viewers. Oh, क्या बात है सर जी, दाढ़ी में अच्छे लग रहे हो। Sir Evan. Thank you. I know. Arnab is the best. Yeah. I'm the best. Allah माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। Sorry. Get out right now. This is my studio. I don't want to see any fucking over here. So viewers, our today's topic is Arnab Goswami. The nation wants to know who is Arnab Goswami. Sir ji, ये आपका ही नाम है। Yeah. So viewers, our today topic is Shankana Rawat statement which brings her in highlights once again. Let's have a look of her statement first. वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। बंजी, ये शंकर मैम को कॉल लगवा के पूछो कौन सा मार ढूंढने लग गई है। अकेले है भाई यार, तुम भी पूछ लो कभी। अंत हो गई है, पता कितना महंगा हो गया। सो द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि शंकरा जो माल फूकती है वो माल आखे का आता कहां से है। And our special report get to know that it's come from Shah Rukh Khan's son. Yes, Bollywood. देखो, ये जो शंकरा ने हमारे पार्टी के मुंह पे कालक पोत दी है ना, इसको अब तुमको ही संभालना है। चुपचाप स्क्रीन पे इंटरनेशनल घोषित कर दो, पैसा तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। ओके। बंसी, अकाउंट चेक कर लियो, पैसे आए कि नहीं। सो द नेशन वॉन्ट्स टू नो व्हाई कंगना डू दिस विद अस, व्हाई कंगना से इट लाइक दैट। What the fuck Kangana said? This is destroying us. अरे कहना क्या चाहते हो? Our secret reports telling us that Kangana is a anti-national and she is from Pakistan. क्या यार कुछ भी हो गए। अबे कुछ भी बोलता है। अबे ये क्या किया बे? Anti-national बोलने के लिए कहा था, पाकिस्तान से है ये नहीं। आप ही ने तो बोला था। अबे आटे में नमक बराबर, झूठ बोलते हैं, नमक का आटा नहीं गूंदते, गूंदिए। और वो हमारी कार्यकर्ता हैं। हमारे पास जो कार्यकर्ताओं की लिस्ट है उसमें कंगना का नाम नहीं है। VIP चेक कर। हाँ, VIP वाली में है, मेरे नाम के ठीक नीचे। इससे याद है सर, मुझे पद्मश्री कब मिलेगा? मन्ना, तुझे पद्मश्री नहीं पद्म भूषण देंगे, और जल्दी से अगर हालात नहीं संभाले तो तय मुंह पे पास देंगे। The call before which we got our special agencies which told us that Kangana is a Pakistani, that was fake call and they make us fool. You can understand, this call came from Pakistan. They want to make us fool, but we will not. We know the truth. The nation knows the truth. Kangana is a decent, very decent. We should not care about the past of the people. That is past. This is present. But we can never forget the sacrifices given by our freedom fighters to get us freedom. Hai meri zameen afsos nahi jo tere liye sau dard sahe. It's hard to find the truth nowadays as lot of people are saying bullshit on social media each and every day. But if you give some attention to their words, you will get to know the truth by yourself. Get active, be smart, don't be Goswami. जिस्मों से निकल के खून कहे।